हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों, हम आज एक नई वैकेंसीज के साथ आपके साथ आए हैं। जो वैकेंसी जारी की गई है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो देखिए कि सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट से यहाँ पे लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में इंडियन आर्मी 10+2 ES ऑनलाइन फॉर्म, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स TES19 अप्लीकेशन बिगेन 31 10 को जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 31 10 यानी 31 अक्टूबर को, और लास्ट डेट जो है 29 नवंबर रखी गई है। एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा सून। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई फीस नहीं है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। किसी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसे भर सकते हैं, मतलब जिनका विवाह न हुआ हो और मेल हो। पास 10+2 इंटरमीडिएट विथ एटलीस्ट मिनिमम 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मतलब कि आपके कम से कम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिलाकर, तीनों को मिलाकर 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को जोड़ के आपको 70% मिनिमम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में मान लो कम है और केमिस्ट्री में ज़्यादा है, तब भी यदि एग्रीगेट 70% हो रहा है PMC ग्रुप में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो है 16 ईयर 6 मंथ मिनिमम एज रखी गई है। मतलब 16 ईयर 6 महीने मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 16 ईयर 6 मंथ जो है रखी गई, 19 ईयर 6 मंथ। और यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वो है, टोटल वैकेंसी है 90 पोस्ट की है और ऑल कैटेगरी इसमें शामिल है। और जो वैकेंसीज के लिए अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं नोटिफिकेशन थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, ये हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे नेशनलिटी दी है, एज लिमिट दी है कि 16.5 से 19 साल होनी चाहिए आपकी एज। वैकेंसी 90 वैकेंसी है, सीनियरिटी वगैरह है, कास्ट ऑफ ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको जो है क्या क्या चीज़ें हैं, और रैंक जो है देखिए, कैप्टन की है, मेजर की है, लेफ्टिनेंट कर्नल की है, कर्नल की है, कर्नल की है, ब्रिगेडियर की है, मेजर जनरल की है, लेफ्टिनेंट जनरल की है, वो क्रॉस के हैं। तो सारी पोस्ट हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। ये आर्मी की तरफ से वैकेंसी, काफ़ी रेपुटेटेड वैकेंसी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दी हुई है। हालांकि हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, यदि आपको फिर भी नहीं समझ आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा फिर से। आर्मी की वैकेंसी है और नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप देख भी सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, और कमीशन वगैरह हमने बता दिया, और ट्रेनिंग जो है आपकी, जो ट्रेनिंग जो है टोटल ट्रेनिंग होगी 5 ईयर्स, 5 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी 1 साल की, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी आपको 3 साल की, और जो है पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगी। मतलब आपको चौथे साल में, पाँचवें साल में आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको पैसे मान लो पहले साल से ही स्टार्ट हो जाएगा, पैसे तो अच्छा खासा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग 5 साल की चलती है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है और डिग्री दी जाती है, और एक और जो है 5वें साल आपको किसी पोस्ट पर तैनात कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई सवाल है तो मुझे बताइए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमको भर भी सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए एक बार तो अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।